anni che con due i plasmici. Una da me. Da me? आपके सामने तो यहाँ कल बनाया होगा ना? ना कल सिर्फ ऑयल लगाया था. अरे यार कल रात पता है क्या हुआ? 2:45 हाँ 2:45 के आसपास पता है क्या हुआ? मैं अपने फ्रेंड से सजेशन लेके आया ना, तो उसने बोला कि मतलब नारियल तेल को लगाना और ऑयल थोड़ा गरम करना. ठीक है, मैंने ऑयल गरम किया. मैं यहाँ से ना कटोरी वो पकड़ के लेके गया वहाँ, और मेरी आदत है ना मतलब एकदम से डाल दी, मैंने भकम डाल दिया. ओह भाई पूरी रात में खोपड़े में आग लगी. Hey guys, what's up? Very good morning. नहीं sorry, good afternoon. अभी अभी जरा हटा, थोड़ा काम कर रहा था और मम्मी जी ने पुकार लगाई कि पकौड़ी बनी है. दुनिया का खाना बनता है दिन में, यहाँ पकौड़ियाँ बन रही है. मैंने खाई जाती पकौड़ी. बैंगन की क्यों नहीं? बैंगन नहीं है यहाँ. पढ़ा क्या हुआ ना? करेला है वो. बता भी नहीं रहा. करेला भी खाना चाहिए भाई, सब चीज खाओ. तुम्हारे यहाँ बनती है दिन में पकौड़ी? अरे ये क्या है? ओए हाय! सीटे पड़ गए भाई. हाँ! मिर्च है वो. कैसी पकौड़ी खा रहे हो? ये दिख नहीं रहा कौन सी पकौड़ी कहीं की है. मिर्च लगी इसमें. बहुत मिर्ची हो रही है इसमें. तो तुझे दिख नहीं रहा मिर्च की अलग है, वो करेले की अलग है, प्याज की अलग है, सब की अलग है. So guys, ये गवार माने यहाँ मिर्ची भी पे. ऐसे गवार में मुंह में देख नहीं रहा कि मैं खा क्या रहा. खाने का मतलब है ना आपको. ये करेले की है, ये प्याज की है, ये मिर्ची भी रखी हुई मैंने. हाँ तो मिर्ची की भी पकौड़ी बना रही थी भाई मेरी. So guys, मैं जरा दही लेने जा रहा हूँ अपने सामने. बिना दही के तो मतलब दिन ही नहीं चलता मेरा. इसी का वेट कर रहा था मैं. पता है आजकल मुंह में इतने दाने हो गए ना मैं बता नहीं सकता. एक दिन का एसी का आपने कितना बोला? सुबह से ले मतलब शाम तक चलता है कितना? 300 रुपए. अभी तो 1000 था, यानी 15 दिन का 1000 लगा. अभी आपने बोला एक दिन का 1000, मतलब 30 दिन का 30,000. मैं तो एसी निकलवा के छत खोल दूंगा ऊपर की. बाप रे इतनी भयंकर बारिश हो रही ना. क्या फायदा हुआ है टीन लगाने का, बारिश तो ऐसी घुस गई अंदर ही. अरे बाप रे यहाँ पे भी पानी आ गया, ओ भयंकर. तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं बारिश काफी, बारिश नहीं हो रही है ये हो रही है मस्ती, ऊट पटांग मस्ती. बारिश नीचे नहीं पड़ रही है, घरों में घुस रहा पानी. क्या देख रही हो? अरे ये देखो अपना ये बॉर्डर सा छी, मुझे इतना गंदा लगता है ना ये. कैसा लगता है गाइस ये है ना? यहाँ पे तो मैं अपना नाम लिखवा दूंगा यार, यहाँ पे लिखवा दूंगा गीता. मेरा हेलमेट देखो, 2 रुपए का हेलमेट मेरा. मेरी बाइक ने भी नहाई नहाई कर लिया आज थोड़ी सी, सारी तो गीली होगी वो. बाप रे ओ गली में देखो पानी कितना आ गया है. क्या मम्मी जी बोल रही नया स्टोर रूम गीला हो गया कि. ये हमारा स्टोर रूम और ये कुछ ऐसा है ये स्टोर रूम. स्टोर रूम ये स्टोर रूम का बंकर ज्यादा लग रहा है, जैसे आर्मियों का बंकर नहीं होता आगे से खुला. इसकी जो पानी का एग्जिट है वो इस टीन के ऊपर का, यहाँ से सीधा आगे वाले घर में. अभी मैं आपको अपनी गली का हाल दिखाता हूँ. बड़ी वाली वाली दो जो सब्जी वालों के पास होती है, बड़ी सी छाता. हाँ यही वाली दो. तो मैं आपको अपनी गली का हाल दिखाता हूँ कितना पानी भर जाता है हमारी गली में. ये देखो बाढ़ आ गई भाई. इतना नहीं है यार मम्मी जी, जैसे और बार आता है ना भर के, इस बार नहीं है इतना. ये पूरा पानी है यहाँ पे भर गया है देखो. अरे बाप रे, अगर सांप होगा ना यहाँ कहीं पानी में पक देनी मेरा पैर पकड़ेगा. और यहाँ से एग्जिट होता है पानी, बट इस एग्जिट का गला भर चुका है तो पानी रुक गया यहीं पे, अब यहीं घूमता रहेगा ये. अरे बाप रे कितना भर गया ये पानी. मम्मा इसमें तो मछलियाँ डाल दो 2-4.
तुम ही चल जाओ जो मुझे इतना ज्ञान दे रहे हैं यहाँ से। वो हमारे बिल्ले पता नहीं कहाँ हैं। ये देखो इसका तो सारा नाश हो गया है, देखो ये तो सारे टूट गए हमारे मक्के, मक्के भी आने लगे यार, मक्कियाँ भी आने लगी। मम्मी जी यार ये तो देखते देखते आई यार, मेरे को तो पता भी नहीं चला। गाइस ये कच्चा नहीं है यहाँ, ये पता नहीं कैसा कपड़ा है, कहीं आप समझो कच्चे लटक रहे, कच्चे छत में सूखते हैं हमारे। आज हमारी बिल्ली की सेना कहाँ है? अबे मेरी अम्ब्रेला यहीं फंस गई, अबे यार वहाँ से घूम के आना पड़ेगा। ताई जी देख रही, वहाँ से ताई जी बोल रही इसके हाथ में क्या है, बंदूक सी। ये देखो गाइस इसको देखो ना कैसे देख रही है कुकी तो इसको उतारता हूँ जरा नीचे। आ मेरी शिड्डू, अब तो फंस गई तू, तेरा तो हाथ आना चाहिए एक बार बस। ओ बाप रे। एक्चुअली आज मम्मी जी ने सुबह सुबह ये कुकी और कोको को दोनों को नहला रखा है ना, तो ये दोनों बिल्ले आज घर से भाग रखे हैं, तभी हाथ में नहीं आ रहे वो। अज्जू भैया को सब्सक्राइब करना जरूर। अज्जू भैया को हाँ खोद दे, मार्बल भी खोद दे अगर है तेरे पंजों में इतना दम। जा जा जा, तेरा ही घर है पागल। हाँ नीचे तुझे कुछ चाहिए बिछाने को, देख रहे हो उसको, मतलब ये कपड़ा है ना वो बोल रही कि कपड़ा यहाँ पे रखो। तो ये कुकी ना नीचे बैठी है, पहले तक तो ना म्याऊ म्याऊ कर रही थी, अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, और अब आराम से बैठ गई क्योंकि इसका बच्चा भी से दिख गया ना। अब देखो कितनी शांत होकर बैठी हुई है, और ये देखो इसे, इसे देखो। आ जा कैमरा पकड़ के, आ जा आया। हाँ नीचे आने आओ, हाँ यहाँ आना, अरे आ तो इधर। हाँ पकड़ लिया बेटे, सारा भीग गया यार यो। ए भूख लग गई बच्चे को, बच्चे को भूख लग गई, सारा भीग गया आप तो। तू गवा रे इसे देख रहे, ये ऊपर चले गई अब, हे भगवान अभी ये ऊपर चले गए, अभी पीछे से सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चले गई। भाई यही काम रहेगा मेरा तुम्हारा ऊपर नीचे करने का। अब ठीक है, अब दोनों नीचे आ गए। आ गया आ गया। तो गाइस शिवम इज देयर। व्हाट्स अप शिवम? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अबे यार भाई बहुत ही भयंकर पानी आ गया यार। देखो मुझे कार चलानी नहीं आती ना, वरना मैं तेरा भी हूँ। शिवम कभी तूने लड़की भी घुमाई ऐसे? अभी हम जा रहे हैं, हमें खुद नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बट एक नंबर व्यू। देखो अंधेरा अंधेरा भी हो गया है, टोपा बंद हो गया है। माय फेवरेट पर्सन सैंकी, व्हाट्सअप, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी जर्नी, बाय। तो थानो रोड में आए हो और मैगी से मंजे ना लिए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यार अभी तो मैं यहाँ पे उतर रहा हूँ क्योंकि अंकुश चमोली और उदित मेरा वेट कर रहे हैं, उदित का आज इंटरव्यू है, दैट्स व्हाई। तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका उदित जी के साथ, आ जाइए उदित रावत, अंदर आइए। कहाँ जा रहे हो भैया आप आज? कहाँ जा रहे हो भैया? आइए इसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं भैया। अरे बाप रे आगे आ जा रहे हैं फिट। तो गाइस उदित रावत का IAS का इंटरव्यू है, आप भी प्रे करें कि ये क्लियर कर दे और इनका सैलरी पैकेज लगे 15-20 लाख पर मंथ। बाय प्रज्वल, ओके ब्रो, ओके। उदित ब्रो कैसा लग रहा है इंटरव्यू के बाद? बढ़िया। अबे बत्ती कहाँ चली? क्या क्या पूछ रहे थे आपसे? फिर पहले सवाल था सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करोगे? सबसे पहला सवाल सैलरी। आपने बोला नहीं मैम हिंदी में बात करें? मैम ने बोला हिंदी में बात करें, मैंने लाइक आई प्रेफर इंग्लिश ओनली। सो गाइस मैं घर आ गया हूँ, और एक बात बताऊँ, पता है अब तो मतलब कोई भी मेरा नया दोस्त मिलता है ना, मुझे पता है क्या बोलता है, अरे तू इतना बदल गया मतलब काफ़ी बदल गया शकल से, हर चीज़ से ना। तो यार इस व्लॉग में इतना ही था, आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।